और इधर आज का दिन यूपी की महिलाओं के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि आज कांग्रेस महिलाओं को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें प्रियंका गांधी के 40% आरक्षण वाले प्लान से लेकर फ्री स्कूटी वाला प्लान भी शामिल होगा। यूपी फतेह का प्लान, प्रियंका करेंगी घोषणा पत्र का ऐलान। एक अलग से महिला का घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं। आधी आबादी पर दांव, क्या यूपी में बढ़ेगा कांग्रेस का भाव? बदलाव की आती है जिसका नाम, बदलाव की आती है जिसका नाम। यूपी की चुनावी लड़ाई भले ही भाजपा बनाम सपा के बीच दिख रही हो, लेकिन प्रियंका गांधी की कोशिश हाथ को मजबूत कर इसे त्रिकोणीय बनाने की है, क्योंकि 32 साल का सूखा खत्म करने की जिम्मेदारी प्रियंका ने अपने कंधों पर उठाई है, और इसे पूरा करने के लिए प्रियंका बुधवार को एक बड़ा दांव चलने जा रही हैं, क्योंकि जहां भाजपा और सपा अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार नहीं कर पाए हैं, वहीं प्रियंका गांधी यूपी में अपना पहला घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। जो पार्टी का घोषणा पत्र है उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में है और लगातार यहां पर बैठकों का सिलसिला जारी है। घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई, उसके बाद अगर आज की बात करें तो स्ट्रैटेजी कमेटी, चार्जशीट कमेटी और तमाम यहां पर बैठकें हुई, और प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया कि पार्टी महिलाओं के लिए जो उसका घोषणा पत्र है उसको जारी करेगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में महिलाओं पर जोर होगा, क्योंकि प्रियंका पहले ही 40% महिलाओं को चुनाव लड़ाने और फ्री स्कूटी जैसे वादे कर चुकी हैं। एक अलग से महिला का घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं जी, वो खास एक अलग घोषणा पत्र बनाया है, उसको हम कल जारी करेंगे। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र कितना अलग होगा ये आने वाले वक्त में साफ होगा, पर जिस तरह से प्रियंका महिलाओं पर दांव चल रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि प्रियंका एक नई राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश में हैं, जिससे दूसरे राजनीतिक दल अभी तक बचते रहे हैं। लेकिन क्या इससे यूपी में कांग्रेस का 3 दशक का सूखा खत्म होगा? क्योंकि प्रियंका जितना लोगों को जोड़ नहीं पा रही, उससे ज्यादा पार्टी के नेता छोड़कर उनका साथ जा चुके हैं। वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि क्या अकेले प्रियंका यूपी में कुछ बड़ा कर पाएंगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उसके बाद भी कांग्रेस दहाई का आंकड़ा तक ना छू पाई। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। देखा आपने, तो कांग्रेस की तैयारी पूरी है। दोपहर 12 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए खास घोषणा पत्र जारी करेंगी। पूरे कार्यालय को सजा दिया गया है, जगह जगह कटआउट लगे हैं और कई तरीके की चीजें नई दिखाई दे रही हैं कार्यालय में। जायजा लिया है हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने। आप ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस आज अपना पहला घोषणा पत्र जारी करेगी। पहला इसलिए क्योंकि इस बार कांग्रेस एक तरफ जहां प्रदेश के लिए अपना समग्र घोषणा पत्र तैयार करा रही है, तो वहीं एक घोषणा पत्र सिर्फ महिलाओं के लिए तैयार कराया है, और आज उस घोषणा पत्र को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें जारी करेंगी। बहरहाल उससे पहले कांग्रेस कार्यालय पर क्या तैयारी है वो आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की फिलहाल वो 8 प्रतिज्ञाएँ भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं जो उन्होंने अपनी अलग अलग रैलियों में की थी। सबसे पहली जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जिसको उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सबके सामने लाई थी, वो थी कि आगामी चुनाव में जो टिकट का वितरण होगा उसमें 40% सीटों पर महिलाओं को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी देने की बात, सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, सरकारी नौकरी में 40% महिलाओं की नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, 1,000 रुपये वृद्धा विधवा पेंशन, आंगनवाड़ी आशाओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय, और प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय बनाने की बात, ये वो 8 प्रतिज्ञाएँ हैं जो अब तक सामने आ चुकी हैं। बहरहाल अगर बात करते हैं स्मार्टफोन और स्कूटी को लेकर, तो आप देखिए प्रियंका की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पार्टी कार्यालय पर
अगर हम देखें तो यहाँ पर स्कूटी जो है वो भी एक लगाई गई है और इस स्कूटी पर लिखा हुआ है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन। ये वो हॉल है जहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। पिछले लंबे अरसे में अगर हम देखें तो इस तरह से यूपी का जो कांग्रेस का लखनऊ का मुख्यालय है यहाँ पर हमने इस हॉल को इतना तैयार कभी नहीं देखा। पीछे एक LED स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पर अगर सोर्सेज की माने तो एक तरफ जो नारा दिया गया वो दिखेगा तो दूसरी तरफ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलेगा जिस पर जो घोषणाएँ प्रियंका गांधी करेंगी वो नज़र आती रहेंगी। जो पार्टी के एक प्रदेश के पदाधिकारी हैं श्री पांडे जी वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की करेंगे। सर ये बताइए आज महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है, एक नई तरह का प्रयोग? नहीं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कभी किसी और राजनीतिक पार्टी ने सोचा नहीं। इतने बड़े सूबों में जो हमारी महिलाओं का की आबादी है उस हिसाब से राजनीतिक पार्टियों में शायद मुझे लगता है प्रियंका गांधी ने सबसे पहले महिलाओं को मजबूत करने के लिए उनको ताकत देने के लिए ये सोच बनी। और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी महिला नेता है हमारी जिन्होंने महिलाओं के हक की बात की लड़ाई के लिए उनको ताकत देने की कोशिश करी गई। तो ये थे हमारे साथ में शिव पांडे जी और उन्होंने कहा कि पिटारा खुलेगा तो उसमें तमाम नई चीज़ें और देखने को मिलेंगी जो महिलाओं को ध्यान में रखकर पार्टी ने तय की है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ।